नेताओं पर जब उम्र का असर दिखने लगे तो पब्लिक के साथ ही पार्टी के आलाकमान भी उस ढलान को महसूस करने लगते हैं। वैसे नेताओं की भूमिका भी बदलने लगती है, वे मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने लगते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी इससे अलग नहीं है, बल्कि ये कहिए कि बीजेपी इसे लेकर रूल रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो करती है। देश के लेवल पर लाल कृष्ण आडवाणी को किनारा होते देख चुके हैं, जबकि पिछले महीने बिहार राज्यसभा चुनाव में उम्र अधिक होने के कारण ही गोपाल नारायण सिंह को दोबारा टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो अब सियासी ढलान पर है। सबसे पहले बात करते हैं नंदकिशोर यादव की। नंदकिशोर यादव बिहार में बीजेपी के काफी कद्दावर नेता हैं और यादव समाज के बड़े चेहरे हैं। बिहार की राजनीति में इनकी गहरी पैठ है। खास बात कि अब बीजेपी के किसी भी गुट में शामिल नहीं रहते और इन्हें केवल अपने काम से काम रहता है, लोगों के लिए सहज उपलब्ध रहते हैं। इनका सबसे मजबूत पक्ष है संघ से जुड़ा होना। ये 1969 में ही संघ से जुड़ गए थे और इसका फायदा भी इन्हें पार्टी की ओर से समय समय पर मिला है। ये 1995 में पटना पूर्वी से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। वर्तमान में ये 7वीं बार विधायक बने हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी से जेडीयू अलग हो गया था, तब कहा जा रहा था कि बीजेपी नंदकिशोर यादव को ही अपना CM चेहरा बनाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, लेकिन 2017 में जब एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी में दोस्ती हो गई, तो इनका मजबूत सियासी कद को देखते हुए फिर से इन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा ये पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग में मंत्री पद को भी संभाल चुके हैं। इसके पहले ये पटना नगर निगम पार्षद, डिप्टी मेयर से लेकर बीजेपी में महानगर अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें कोई भी विभाग नहीं मिला। अब इनकी उम्र 68+ हो गई है। इस बार मंत्री पद नहीं मिलने के पीछे कहा गया है कि बीजेपी में नए चेहरों को आगे लाने के लिए अब पुराने चेहरों को थोड़ा किनारा किया जा रहा है। संभव है कि ये अब मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। रविशंकर प्रसाद भी बीजेपी के काफी कद्दावर नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक में बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था, तब मंत्री पद से इनकी छुट्टी कर दी गई थी। इन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिलने से बिहार में इनके समर्थक काफी निराश हो गए। हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया गया। दूसरी सियासी घटना इनके साथ यह हो गई कि रविशंकर प्रसाद अब तक राज्यसभा के माध्यम से सदन पहुंच रहे थे, लेकिन 2019 में इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया था, वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तब उनकी जगह उन्हें टिकट दिया गया। इन्होंने मेहनत की और चुनाव जीतकर भी दिखाया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी अब सियासी ढलान पर है। इनकी भी उम्र 68 के आसपास हो गई है। बीजेपी में एक रूल बनने की बात हो रही है, जिसके तहत 1955 से पहले जन्म लेने वाले नेताओं को टिकट से वंचित किया जा सकता है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद भी सक्रिय राजनीति से किनारा हो सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1954 है। अब बात करते हैं सुशील मोदी की। सुशील मोदी बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है। इनकी सियासी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार में दूसरी बार NDA की सरकार बनने में सुशील मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए इन्हें बीजेपी का छोटा मोदी भी कहा जाता है। ये 2020 के चुनाव के पहले तक नीतीश कुमार की NDA सरकार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व बखूबी निभा रहे थे। ये शुरू से ही बीजेपी के प्रति समर्पित रहे, संघ से भी जुड़े रहे और 1974 के आंदोलन में JP के साथ संपूर्ण क्रांति में शामिल भी हुए। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई थी और छात्र संघ के चुनाव में ABVP के सहयोग से ये जनरल सेक्रेटरी भी बने थे। खास बात कि नीतीश कुमार के साथ इनकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहती है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर कभी किसी गुट की ओर से नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष हमले किए जाते हैं, तो उनके बचाव में सुशील मोदी ही सामने आते हैं। पिछले दिनों भी यह देखने को मिला था कि जब नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए, तब सुशील मोदी ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर कहा कि बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव NDA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगते हुए लड़ा था, लोगों ने इस पर भरोसा किया था।
जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए है, तब किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई सवाल नहीं रहता है। लेकिन सुशील मोदी भी अब अपनी उम्र की वजह से सियासी ढलान पर है। उनकी उम्र अब 70 प्लस हो गई है। इनका डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1952 है और ये भी बीजेपी की 70 प्लस वाली नई पॉलिसी में आ जाएंगे। सियासी ढलान की वजह से ही ये अब केंद्र की राजनीति में चले गए हैं। हालांकि केंद्र की राजनीति में जाने के बाद इनके समर्थक काफी दलील दे रहे हैं कि इन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब कोई मंत्रालय नहीं मिला तो लोगों को लगने लगा कि अब ये भी मार्गदर्शक बनते जा रहे हैं। हालांकि ये लालू यादव पर हमला करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। राज्यसभा सदस्य बनते ही सुशील मोदी बिहार की लोकल पॉलिटिक्स से लगभग दूर हो गए हैं। दूसरे नंबर पर अश्विनी चौबे के साथ प्रेम कुमार भी हैं। पहले बात करते हैं अश्विनी चौबे की। ये 2019 में बक्सर से लगातार दूसरी बार जीते हैं। वर्तमान में मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। अश्विनी चौबे 2024 के चुनाव में 70 प्लस के हो जाएंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1953 है। ये ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री थे और दूसरे कार्यकाल में भी इन्हें वही स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। इन्होंने भी अपना राजनीतिक सफर संघ से ही शुरू किया था। एक समय था जब ये बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव थे। तब ये भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। विधायक बनकर बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। देश में जब इमरजेंसी लगी थी तब ये गिरफ्तार होकर जेल भी गए थे। लेकिन ये भी अब सियासी ढलान पर है। कहा जा रहा है कि आगामी चुनावों में ये टिकट से वंचित हो सकते हैं। नए चेहरों को सामने लाया जा सकता है। हालांकि अश्विनी चौबे ने अपने बेटे अर्जित शाश्वत को सक्रिय राजनीति में लाना शुरू कर दिया है, लेकिन बेटे को अभी चुनाव में सफलता नहीं मिली है। दूसरी ओर इसी नंबर पर डॉक्टर प्रेम कुमार भी हैं। प्रेम कुमार भी अब अपने सियासी ढलान पर हैं। सियासी ढलान की वजह से ही 2020 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो प्रेम कुमार को मंत्री पद से दूर रखा गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये 70 के आसपास के हो जाएंगे। हालांकि प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग के बड़ा चेहरा माने जाते हैं तथा गया से चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि उम्र की दहलीज पर जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी साइड हो सकते हैं तो प्रेम कुमार क्यों नहीं। राधा मोहन सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। राजपूत समाज के बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से सियासी ढलान पर हैं और बेशक अब इन्होंने खुद को मार्गदर्शक मंडल में स्वीकार कर लिया है। केंद्र में कई टर्म मंत्री रहे राधा मोहन सिंह इस बार मंत्री नहीं बनाए गए, जबकि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में ये कृषि मंत्री बने थे। ये तो ऑलरेडी 70 के पार के हो गए हैं, यानी वर्तमान में इनकी उम्र 73 की हो गई है। मतलब 2024 के चुनाव में ये 75 साल के हो जाएंगे। दरअसल इनका टिकट 2019 के लोकसभा चुनाव में ही कटने वाला था, लेकिन बाद में मैनेज कर लिया गया। इसके बाद मोदी लहर में ये सांसद बन गए। 2009, 2014, 2019 का चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने वाले राधा मोहन सिंह अब तक 6 बार सांसद बने हैं। तो आपने बीजेपी के उन 5 नेताओं के बारे में जाना जो पूरी तरह से सियासी ढलान पर है। हालांकि रमा देवी, संजय पासवान, गोपाल नारायण सिंह समेत कुछ अन्य नेता भी सियासी ढलान पर आ गए हैं और राजनीतिक गतिविधियों से लगभग साइड हो गए हैं। हालांकि बीजेपी की उम्र वाली नई पॉलिसी में रमा देवी और गिरिराज सिंह भी आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को दोबारा मौका मिल सकता है, क्योंकि गिरिराज सिंह एक तो भूमिहार समाज के बड़ा चेहरा है और दूसरा बीजेपी जिन एजेंडों पर काम करती है उसमें गिरिराज सिंह पूरी तरह से फिट बैठते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।